आकाशवाणी जलंधर। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं अवतार सिंह ढिल्लों। सब तो पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि तकनालोजी का लोक राजीकरण विश्व विच डाटा खपे नूं भरन दा एक अहम माध्यम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का कहना है कि आलमी आर्थिकता मुड़ सुरजीति दीआं संभावनावां बेहद घट बनिया हुई ने ते उन्हां चुनौतियां नाल निजिठण लई संगठित आलमी पहुंच अपनाए जाण लई कहा है। कंट्रोलर ते आडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिट दे अमला दी कुशलता वधाउण लई इन्हां विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं अपनाए जाण लई कहा है। बैडमिंटन विच एचएस प्रणय, जकार्ता विच बीडब्ल्यूएफ इंडोनेशिया सुपर 1000 विच भारत की अगवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा कि विकास आलमी दक्षण के देशों लई एक बुनियादी मुद्दा है ते इन्हां नूं निरंतर रहन योग विकास टीचों नूं हासिल करन लई लोड़ींदी कार्य योजना बारे विश्व नूं इक ठोस सुनेहा देना चाहिए है। वह अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वाराणसी विच G20 विकास मंत्रियों की मीटिंग नूं संबोधन कर रहे सन। श्री मोदी ने कहा क्योंकि आलमी दक्षणी देश कोविड महामारी करके पए विघना कारण बुरी तरह प्रभावित हुए ने ते भू सियासी तनाव करके खुराक ईंधन ते खादां दे संकट पैदा हुए ने। इन्हां देशों वल्लों लए जाण वाले फैसले समुचे तौर ते मानवता लई अहम ने। प्रधानमंत्री ने रवायती भारतीय सोच ते जोर दिता जो कि धरती पक्षी जीवन जांच नूं शासित करदी है। G20 देशों नूं विकास का एक मॉडल दिंदिआं उन्होंने कहा कि भारत ने 100 तो वध एस्पीरेशनल जिलों विच लोकां दीआं जिंदगीआं बेहतर बनाउण लई कोशिशां कीतीआं ने। SDGs विच जां निरंतर विकास टीचों नूं हासिल करन विच लिंगक बराबरी ते औरतां दे शक्तिकरण ते जोर पाउंदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत औरत शक्तिकरण तक सीमित नहीं है पर इसका प्रसार औरतां दी अगवाई वाले विकास तक है। श्री मोदी ने इस गल वल ध्यान दवाया कि औरतां विकास लई एजेंडा तैयार कर रहीआं ने ते विकास ते तब्दीली लाउण वालीआं भी इही आगू ने। उन्हां ने हर किसी नूं औरतां दी अगवाई वाले विकास लई एक काया पलट वाली कार्य योजना अपनाउण दी अपील कीती। श्री मोदी ने कहा कि भारत विच डिजिटलाइजेशन ने एक क्रांतिकारी तब्दीली लिआंदी है जिथे तकनालोजी लोकां नूं अधिकार प्राप्त बनाउण डाटा नूं पहुंच योग बनाउण ते समावेश नूं यकीनी बनाउण लई वरती जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर विकास मंत्रियों के समूह की मीटिंग की प्रधानगी कर रहे हैं ते यह मीटिंग कल तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व विच डाटा खप्पे नूं भरन लई तकनालोजी का लोक राजीकरण एक अहम माध्यम है। उन्होंने इस गल वल ध्यान दवाया कि उच्च म्यारी डाटा अर्थपूर्ण नीतियां बनाउण कुशल वसीला वंड ते असरदार लोक सेवा डिलीवरी लई अहम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज कहा कि सप्लाई चेन विच विघन लंबे समय तो चले आ रहे कर्जा संकट ते ऊर्जा खुराक ते खाद सुरक्षा ते दबाव दरमियान आलमी आर्थिकता मुड़ सुरजीति की संभावना घट बनी हुई है। उन्होंने चुनौतियों नाल निजिठण लई एक संगठित आलमी पहुंच लिखी है। वाराणसी विच G20 विकास मंत्रियों की कॉन्क्लेव नूं संबोधन करदे उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने निरंतर विकास टीचों SDGs ते तेज रफ्तार प्रगति लई एक उद्देशपूर्ण 7 साल कार्य योजना पेश कीती है जिसने G20 कार्रवाईआं लई एक संगठन ते समावेशी खाका पेश कीता है। यह खाका विकास लई डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचे ते डाटा नूं उत्साहित करन औरतां दी अगवाई वाले विकास विच निवेश करन ते ग्रह दी राखी लई ऊर्जा तबादले ते ध्यान केंद्रित करदा है। भारत के कंट्रोलर ते आडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिटिंग अमल विच प्रभावशीलता नूं वधाउण लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस AI नूं अपनाउण लई कहा है पर उन्होंने AI दे खतरियां ते खिलाफ सावधान करदे हुए कहा है कि नीति घाड़ियां लई इह जरूरी है कि उह इस तकनालोजी दी समरसा नूं वरतण लई प्रक्रिया लागू करन। श्री मुर्मू अज सवेरे पणजी विच G20 दीआं सर्वोच्च ऑडिट संस्थावां दे खुद मुख्तार समूह के दूजे शिखर सम्मेलन विच उद्घाटनी भाषण दे रहे सन। उन्होंने कहा कि ऑडिटिंग विच चंगे प्रशासन पारदर्शिता ते जवाबदेही नूं यकीनी बनाउण लई AI अते समुद्री आर्थिकता दे ऑडिट विच SAIs की अहम भूमिका है। श्री मुर्मू ने कहा कि ज्ञान सांझा करना अते समर्था निर्माण लई SAIs दरमियान नेड़ले सहयोग की बहुत जरूरत है। ए खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज राष्ट्रपति भवन के स्पोर्ट्स ग्राउंड विच पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी भाव खास तौर पर संवेदनशील कबायली समूहों की शिखर मीटिंग विच हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति ने उन्होंने व्यापक गलबात से कबायली मामलों बारे मंत्रालय दियां वख-वख स्कीमां ते पहलकदमियां लई 75 पीवीटीज के मैंबरां नूं राष्ट्रपति भवन आउण दा सद्दा दित्ता है। पंजाब दे राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने स्कूल पद्धर ते चरित्र निर्माण ते सारे विद्यार्थियों नूं बराबर दे मौके प्रदान करन ते जोर दित्ता है। सर्वहितकारी एजुकेशनल सोसायटी वालों डॉ बी आर अंबेदकर नैशनल इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी जलंधर के सहयोग नाल स्कूली सिक्ख्या विच हालिया तरक्की बारे कराई गई 3 दिन दी नैशनल कॉन्फ्रेंस के समाप्ति सैशन नूं संबोधन करदिआं उन्होंने यह गल कही है। इस सिक्ख्या महाकुंभ की सफलता लई वधाई दिंदा उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों नूं सादा जीवन ते बौद्धिक सोच की कदर करनी चाहिए। राज्यपाल पुरोहित ने कहा कि सानू नौकरी लभण वाले की मानसिकता तो नौकरी प्रदान करने वाली मानसिकता वल ध्यान देने की जरूरत है। सीमा सुरक्षा बल ते पंजाब पुलिस ने तरन तारण जिले के राजोके पिंड के खेतों विचों सांझे ऑपरेशन दौरान एक ड्रोन बरामद किया है। सीमा सुरक्षा बल के बुलारे ने जलंधर विच दस्सिया कि पक्की सू मिलन ते सांझा ऑपरेशन चलाया गया। यह ड्रोन पूरी तरह नाल टुटी हुई हालत विच खेतों विच पिया सी। एजेंसियां वल्लों अगे जांच की जा रही है। बुलारे ने दस्सिया कि अमृतसर जिले के परोपाल पिंड के खेतों विचों सीमा सुरक्षा बल ते पंजाब पुलिस की सांझी टीम ने एक शक्की व्यक्ति नूं काबू किया है। उस कोलों कीती पुछगिछ मगरों भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद से कंडियाली तार तो अगे वाली थान से नशीलियां वस्तां की खेप छपाई गई सी। इस विच 2 पैकेट सन जिन्हां नूं बरामद कर लिया गया ते अगले दी जांच जारी है। एक होर घटना विच सीमा सुरक्षा बल ने एक सू मिलन से अमृतसर जिले के शहदपुर कला पिंड विच अज सवेरे एक खोज अभियान चलाया। इस दौरान पूरी तरह टुटी हुई हालत विच खोज दौरान पिंडां दे खेतां विचों बरामद किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल श्रीनगर के राजभवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नाल मुलाकात की। श्री शिंदे ने श्री सिन्हा नूं सैर सपाटा सभ्याचारक आदान प्रदान ते आर्थिक विकास नूं मजबूत करने लई महाराष्ट्र भवन बनाने लई श्रीनगर विच जमीन देने की बेनती की। उपराज्यपाल ने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश ने चुनौतियां नूं मौकियां विच बदल दिता है ते इह हुण सफलता ते खुशहाली दे प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आत्म विश्वास नाल भरिया होया ते तरक्की दे रास्ते अगे वध रहा है। केंद्रीय लोक सेवा कमिशन UPSC ने अज सिविल सेवा इम्तिहान 2023 लई मुढ़ले नतीजों का ऐलान किया है। कमिशन वालों कुल 14,624 उम्मीदवार की सिफारिश की गई है। उम्मीदवार अधिकारिक वैबसाइट upsc.gov.in ते अपने नतीजे देख सकते ने। मेन इम्तिहान 15 सितंबर तो होना है। अज बाल मजदूरी खिलाफ विश्व दिन है। इसका उद्देश्य बाल मजदूरी विरुद्ध वध रही विश्वव्यापी लहर लई एक उत्प्रेरक वजों कम करना है। समाजिक न्याय ते अधिकारां दरमियान संबंधां ते जोर दिंदे होए इस साल दे विश्व दिवस दा नारा है सब लई समाजिक न्याय बाल मजदूरी खत्म करो। अंतरराष्ट्रीय किरत संस्था ने बाल मजदूरी की विश्वव्यापी हद अते इस नूं खत्म करने लई लोड़ींदी कार्रवाई ते यतना ते ध्यान केन्द्रित करने लई 2002 विच बाल मजदूरी विरुद्ध विश्व दिवस की शुरुआत की सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरतों की जूनियर हाकी टीम नूं औरतों का जूनियर एशिया कप 2023 जीतने लई बधाई दी। एक ट्वीट विच उन्होंने इस जीत लई टीम नूं बधाई दिंदिआं कहा है कि इसके हुनर ते खेड कला ने वधिया प्रदर्शन नाल देश का मान बधाया है। भारतीय बैडमिंटन खिडारी HS प्रणय कल तो इंडोनेशिया में शुरू होने वाले BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन में नजर आएगा। उसका मुकाबला जापान के केंटा निशिमोटो नाल होगा। पहले गेट की जित उस दूजे गेट में चीन के शी युगी खिलाफ मुकाबले में ले जाएगी। आखिर विच खास खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि तकनालोजी का लोकराजीकरण विश्व विच डाटा खप्पे नूं भरन विच इक अहम माध्यम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का कहना है कि आलमी आर्थिकता मुड़ सुरजीती दीआं संभावनावां बेहद घट बणीआं होईआं ने ते उन्हां चुनौतियां नाल जिठण लई संगठित आलमी पहुंच बनाए जाण लई कहा है। अते कंट्रोलर ते आडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिट के अमलां की कुशलता वधाउण लई इन्हां विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं अपनाए जाण लई कहा है। इस दे नाल ही आकाशवाणी तों खबरां दा बुलेटिन ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।